भारतीय जनता पार्टी ने तोहीन रिसालत करने वाली नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। इस हवाले से पार्टी का क्या कहना है, इस पर आज बात करते हैं। इतवार की सपहर भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार इस मामले पर बात की गई। बीजेपी के बयान में कहा गया है कि वो तमाम मजाहिब का एहतराम करती है और किसी भी मजहबी अजीम मुकदस हस्ती की तोहीन की सख्ती से मजम्मत करती है। बीजेपी के तर्जमान नूपुर शर्मा और नवीन जंदाल के पैगंबर इस्लाम के बारे में किए गए मतनाज़ा तबसरों से पैदा होने वाले तनाज़े पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि इनकी पार्टी किसी भी ऐसे नज़रिए के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी भी फिरका या मजहब की तोहीन करता हो। खबरसा एजेंसी PTI के मुताबिक अरुण सिंह ने कहा कि इंडिया की हज़ार साल तारीख में बहुत से मजाहब परवान चढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हर मजहब का एहतराम करती है। इंडिया का आइन शहरियों को किसी भी मजहब पर अमल करने की आज़ादी देता है। ये हक भी देता है कि किसी भी मजहब पर अमल पैरा हों और तमाम मजाहिब का एहतराम करें। हालांकि इस वक्त बीजेपी ने नूपुर शर्मा के बयान से पैदा होने वाले तनाज़े का बराह रास्त जिक्र नहीं किया था, लेकिन कुछ देर बाद खबर रसां एजेंसी ANI ने तस्दीक की कि पार्टी ने नूपुर शर्मा की बुनियादी रुकनीत मअतल कर दी है, जबकि नवीन जंदाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। इस तरह की न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।